ओके दिस माइट बी द लास्ट ट्यूटोरियल जो एनसीआर टी क्वेश्चन हम डिस्कस करे थे उसका लास्ट टॉपिक रह गया था जो हाइपरबोला हमने कर लिया था लास्ट फोर क्वेश्चन करेंगे और इस ट्यूटोरियल में हम एलिप्स के दो क्वेश्चन रहते थे मिस एलियस एक्सेस के वो डिस्कस करेंगे पढ़ते हैं जरा फोकाई यहाँ पे दिया हुआ है बेटा थ्री रूट फाइव एक्स एक्सेस प्लाई कर रहा है क्लियरली पता चल रहा है क्योंकि वाई कॉर्डोट जीरो है mm -hmm. तो वी विल अज्यूम दैट लेट द इक्वेशन ऑफ द हाइपर वोला बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन नहीं मान लेते हैं अब फोकाई क्या होता है हमारा प्लस माइनस सी कॉमा जीरो यानी सी हमें दे दिया थ्री रूट फाइव लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होती है वो होती है टू बी स्क्र बाई ए ये दे दी एट तो यहाँ से ना हमें एक रिलेशन मिल गया कि बी स्क्वायर जो हो जाएगा वो फोर ए हो जाएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये तो हमने यहाँ बी स्क्र निकाल लिया अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी हम निकाल लिखते हैं कि सी स्क्र जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र और सी की वैल्यू दी हुई है हमें थ्री रूट फाइव तो थ्री रूट फाइव का जब स्क्वायर करेंगे तो थ्री थ्री इधर नाइन इंटू फाइव फोर्टी फाइव आ जाएगा ए स्क्वायर हमें नहीं पता और बी स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे फोर ए क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू फोर ए है तो यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेट इक्वेशन आ गई इस क्वाडेट इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं तो ए स्क्वायर प्लस नाइन ए माइनस फाइव स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहा हूँ इस तरह से ब्रेक किया कि फोर ए का जो सम ऐसे दो नंबर्स ले लिए जिसका सम फोर ए आए और प्रोडक्ट फोर्टी फाइव ए स्क्वा आए तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस नाइन माइनस फाइव कॉमन ए प्लस नाइन तो ए की हमारे पास दो वैल्यू आ गई जो फैक्टर बनाए तो माइनस नाइन जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए और भी तो हमारे पास लेंथ होती है रिप्रेजेंट करता है तो मस्ट बी पॉजिटिव तो ए की वैल्यू फाइव आ गई ठीक है और अगर आपको यहाँ से भी स्ट्राइक नहीं करे बाई चांस कि ए माइनस नाइन है तो यहाँ पर जो पुट करेंगे ना तो बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू नाइन आ जाएगा बी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता रियल पार्ट के लिए तो हम यहाँ कह सकते हैं वैसे ए और भी जनरली लेंथ होती है तो लेंथ हम वहीं पर रिजेक्ट कर देना चाहिए कि ए कभी नेगेटिव नहीं हो सकता जब बी पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए की वैल्यू फाइव पुट, पुट, पुट करेंगे यहाँ पर तो बी आ जाएगा फाइव फोर द ट्वेंटी तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ए स्क्वायर हमारा है ट्वेंटी फाइव हो जाएगा ये माइनस बीस वाई स्क्वायर बाई बी इक्वल टू वन अब अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है यहाँ कह रहे हैं फोकाई दे रखा है हमें फोर कॉमा जीरो और ये भी देखो फोकाई फिर से एक्स एक्सेस पे है तो लेट कर लेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ दाईपोरपोला बी एक्स स्क्र बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी वाई स्क्वायर इक्वल टू वन सी हमारा फोर है सी हमारा फोर है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्ट हमें ट्वेल्व दे रखी है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टअ फोर दे रखी है ट्वेल्व दे रखी है तो ये कट जाएगा सिक्स से तो बी स्क्र की वैल्यू आ जाएगी सिक्स है अब क्या करें अब हमारा वेरिएशन निकालते हैं सी स्क्वायर जो होता है वो होता है यानी फोर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वेयर की वैल्यू सिक्स है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास इसके भी फैक्टर बनाए थे हैं क्लियरली दिख रहे हैं हमको एट एंड टू बन सकते हैं एट ए टू ए बन गए यहाँ पे तो ए प्लस एट आ गया और ए माइनस टू आ गया तो यहाँ पे हमारे पास ए की दो वैल्यू आ गई ए माइनस एट हो नहीं सकता तो ए की वैल्यू टू आ जाएगी तो हम कह देंगे ए टू आ चुका है अब हम निकालते हैं बीस बी स्क्वायर हमारा सिक्स ए था तो सिक्स इंटू टू ट्वेल्व हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन स्क्वा बनेगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपर वोला आ गई अब चलते हैं फोर्टीन क्वेश्चन की तरफ वर्टिस दे रखा है अब वाटिस कहाँ है एक्स एक्स के लोंगे तो हम यहाँ पे भी इसको सॉल्व करते हैं वट हम कहेंगे कि भाई वाट इस क्योंकि एक्स एक्स है तो फिर से ये हाइपरबोला फर्स्ट काइंड का होगा तो लेट द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला बी भी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन और व्हाट इज हमारा होता है प्लस माइनस ए कॉमा जीरो और वो दे रखा है हमें थर्टीन ट्वेल्व सेवन सॉरी सेवन और ई है फोर बाई थ्री ये है प्लस माइनस सेवन कॉमा ज़ीरो तो ए हो गया सेवन और असेंट्रिसिटी दे रखिए फोर बाय थ्री और असेंट्रिसिटी क्या होती है हमारी सी बाय ए तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल लेते हैं सी की वाली आ गई फोर बाय थ्री ए ठीक है अब इसका स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे और यहाँ पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा सिक्सटीन ए स्क्वायर वैसे मैं एक की वैली पुट भी कर सकता था ठीक है ना मैं एक ही बार कर दूंगा तो सिक्सटीन ए स्क्वायर बाय नाइन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र हो जाएगा ये हो जाके माइनस होगा तो सिक्सटीन में से ए नाइन ए स्क्वायर गया तो सेवन ए स्क्वायर बाय नाइन बी स्क्र हो गए तो ए की वैल्यू सेवन है बी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन अपन नाइन यानी थ्री फोर्टी थ्री बाय नाइन तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारी क्वेश्चन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर यानी फोर्टी नाइन माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय फोर्टी नाइन और वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर के लिए पुट कर देंगे थ्री फोर्टी थ्री बाय नाइन तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी और ये हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है बेटा तो ये हमारा हो गया फोर्टीन क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिफ्टीन फुकाई दे रखा है और पास कर रहा है टू थ्री से ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है फोकाई दे रखा है तो और ये फोकाई कहाँ लाई कर रहा है आपको दिख रहा है फोकाई कहाँ लाई कर रहा है हमारा फोकाई लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे तो हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ हाइपर हो जाएगी सेकेंड काइंड की वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन फोकाई हमारा है जीरो प्लस माइनस रूट टेन तो हम कहेंगे सी हमारा रूट टेन हो गया यानी हमारे को एक रिलेशन मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी होता है तो टेन ये एक रिलेशन मिल गया इसका मैं यूज़ करूँगा वेरिएबल को रिप्लेस करने के लिए बीस स्क्वायर भी हटा सकता हूँ मैं बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी टेन माइनस ए स्क्वायर और नहीं तो ई e स्क्वायर भी निकाल सकते हैं अब वो कह रहा है कि हमारा जो हाइपर वोला है इट पासिस थ्रू टू कामा थ्री वो कह रहा है टू थ्री से पास कर रहा है तो अगर ये टू थ्री से पास कर रहा है तो टू कामा थ्री इसको सेटिस्फाई करना चाहिए तो आप कहेंगे इफ टू कामा थ्री लाइज ऑन द हाइपर वोला दैन दिस इक्वेशन मस्ट सेटिसफाई को टू का थ्री है तो टू का थ्री पुट करते हैं नहीं वाई की जगह थ्री पुट कर देंगे एक्स की जगह टू पुट कर देंगे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गई जो ए और बी में आ रही है तो ए या बी को किसी को रिप्लेस कर सकते हैं ठीक है ठेके? रिप्लेस कर देते हैं ओके यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा फोर बाई बी स्क्वायर बी की वैल्यू है टेन माइनस ए स्क्वायर और अब इसका हम एलसीएम ले, ले लेंगे ठीक है तो ये आएगा नाइन इंटू टेन माइनस ए स्क्वायर नाइन्टी माइनस नाइन ए स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर और डिनोमीटर में आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर इंटू टेन माइनस ए स्क्वायर तो ये कश्मीर बन जाएगी नाइनटी माइनस थर्टीन ए स्क्वायर इक्वल टू टेन ए स्क्वायर माइनस ए फोर सबको एक साइड ले जाएंगे तो ए फोर माइनस ट्वेंटी थ्री ए स्क्वायर प्लस नाइन्टी इक्वल टू जीरो फैक्टर बन रहे हैं अट्ठारह और पाँच क्योंकि एटीन और फाइव ट्वेंटी थ्री होते हैं और एटीन थे नाइन्टी होते हैं तो ई स्क्र इक्वल टू फाइव आ जाएगा क्योंकि इसके फैक्टर बनेंगे ए स्क्वायर माइनस एटीन और ए स्क्वायर माइनस फाइव स्प्रेटिंग मेटम कर, कर सकते हैं अब हम कहेंगे भी ए स्क्वायर इक्वल टू एटीन नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता रीजन आप सोच सकते हैं यस क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में ए e को एटीन पुट करूँगा तो इससे बी स्क्वायर हमारा माइनस एट आ जाएगा और स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ए और बी तो रियल वैल्यूज है तो हम कहेंगे ए स्क्वायर फाइव आ गया और ए स्क्वायर फाइव है तो बी स्क्वायर भी फाइव हो जाएगा जैसे ही मैं ये पुट करूंगा तो हमारे पास ए और बी आ चुका है तो ये इक्वेशन ऑफ हाइपर वाला क्या बन जाएगी इक्वेशन हाइपर वाला बन जाएगी वाई स्क्वायर बाई फाइव माइनस एक्स स्क्वायर बाय फाइव इक्वल टू वन तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइव तो ये हमारा हाइपरबोला की इक्वेशन आ गया ठीक है तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई अब दो क्वेश्चन हमारे रहते थे मिसीनियस के एलिप्स के ऊपर वो भी सी खत्म कर देते एक फिफ्थ क्वेश्चन रहता था ये थोड़ा सा हम ज्योमेट्री से कर सकते हैं ये कह रहे हैं अभी एलिप्स का क्यों है क्योंकि बेसिकली ना जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो एलिप्स बनेगी इसलिए मैंने बोला ये कह रहे हैं एक रॉड है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है विच मूव्स सच दैट इट्स एंड ऑल स्टचिंग द कॉर्डीनेट एक्सेस यानी ये, ये रॉड ऐसे है इसके जो ये मतलब ये एंड है हमेशा एक्सेस को कट कर टच करते हैं मतलब ये कभी ऊपर आती है कभी नीचे चली जाती है इस तरह से बट इसके एंड पॉइंट जो है वो कॉर्डिनेट एक्सेस को कर, टच करते हैं बेसिकली ये कहना चाहते हैं ठीक है तो ये तो फिर मैंने सिर्फ आई देने के बाद ये लाइन हटा देता हूँ तो ये एक्चुअल रोड है और इसकी लेंथ बारह सेंटीमीटर की है ये बारह सेंटीमीटर की लेंथ है यह कहना डिटर्मेंट द इक्वेशन ऑफ ए लोकस ऑफ ए पॉइंट एक पॉइंट का लोकस की यानी इक्वेशन बताओ पॉइंट की ऑन द रोड विच इज थ्री सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टेक्ट विद एक्स एक्सिस यानी यहाँ से इधर जब हम चले तो यहाँ पे एक पॉइंट है थ्री इतनी डिस्टेंस पे इस पॉइंट पी को हम क्या कहेंगे इसको मैं ये नाम देता हूँ तो इस पी पॉइंट की इक्वेशन बतानी है तो अगर ये ट्वेल्व टोटल लेंथ थी और थ्री ये डिस्टेंस आ चुकी है पी ए ये आ चुकी है हमारा पी ए तो पी भी रह जाएगा कैसे करें इसको तो देखिए बहुत ईजी से क्वेश्चन है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट जोमेट्री से या ट्रिको से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं पी के कॉर्डिनेट मान लेता हूँ एक्स कॉमा वाई तो अगर पी के अकॉर्डेंट एक्स कॉमा वाई तो ये लेंथ एक्स हो जाएगी ये लेंथ वाई हो जाएगी ठीक है ये हम एंगल थीटा मान लेते हैं तो ये भी थीटा हो जाएगा हमारा ठीक है तो अब बात करते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं जरा ट्रिग्नोमेट्री अगर लगाएंगे तो इस केस इस ट्रायंगल में, में मेरे को हाइट पता है वाई ये री। और हाइपोटेनस पता है थ्री तो हाइट और हाइपोटेनस को कौन सी चीज रिलेट करती है साइन थीटा तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और इस ट्रैंगल में बात करते हैं इस ट्रैंगल में मुझे एक्स पता है और हाइप्रोट पता नहीं तो बेस और हाइप्रोट को कौन सी चीज रिलेट करती है तो कहेंगे इस ट्रैंगल में हमारा कॉस थीटा हो जाएगा बेस यानी एक्स बाय नाइन ठीक है हमने कॉस थीटा में निकाल लिया और साइन थीटा में निकाल लिया अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि साइंस थीटा प्लस थीटा तो हमेशा बान होता है तो जैसे ही हम इस इक्वेशन में ये पुट करेंगे कॉस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू क्योंकि थीटा तो हमने एज्यूम किया था तो उसको हटाना पड़ेगा और आपको ये तो समझ आ गया होगा ट्राइंगल में दोनों थीटा क्यों है क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो जब साइन थीटा की वैल्यू वाई बाय थ्री पुट की और कॉस थीटा की एक्स बाय नाइन तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय नाइन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय थ्री स्क्वायर इक्वल टू वन तो ये हमारी पी यानी एक्स के एक्स वाई के टर्म्स में जो पी के कोऑर्डिनेट इस जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो आ गई तो ये क्योंकि एलिप्स की फॉर्म दिख रही है इसलिए मैंने बोला था कि ये एलिप्स का क्वेश्चन है और मिश्र में एक लास्ट क्वेश्चन हो रह गया था ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन एट्थ हम कर चुके थे ठीक है एक बार पढ़े अ मैन ये एलिप्स का कैसे अभी आपको समझ आएगा अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फ्लैग पोस्ट फ्राम हिम इज़ ऑलवेज टेन फिक्सड है तो एलिप्स की डेफिनेशन यही तो होती कि एक ऐसा पॉइंट जो मूव करता है जिसकी दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है उनका सम हमेशा कॉन्स्रेट रहता है और मैंने बताया था वो टू ए है तो यहाँ पर भी कह रहा है कि दो फ्लैग पोस्ट है हमारे पास और एक आदमी इस तरह से भाग रहा है कि उसकी फ्लैग पोस्ट से जो डिस्टेंस है यहाँ से और ये जो डिस्टेंस का सम है ये हमारे पास टू ए है मान लेते हैं कि एस डैश है एक फोकस है और ये एस है और ये पॉइंट पी है तो एस डैश पी प्लस एस पी हमारा कॉन्स्टेंट और मैंने हम आपको बताया था ये हमारा टू ए होता है तो एक तरह से टू ए वो टेन कह रहा है क्योंकि सम हमेशा टू ए है तो यहाँ से ए मिल गया फाइव अब हमें पता है कि एक फोकस होता है सी कॉमन ज़ीरो और एक होता है माइनस सी कॉमन ज़ीरो तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है डिस्टेंस बिटवीन फोकस दो फोका वो क्या होती है टू सी क्योंकि सी इस साइड माइनस सी तो सिर्फ नोट कर रहा है डायरेक्शन अदरवाइज तो डिस्टेंस तो सी होगी ओरिजिन से तो एक तरफ सी है दूसरी तरफ माइनस सी है कोऑर्डिनेट तो डिस्टेंस टू सी हो जाएगी और वो कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग पोसेज एट यानी एक तरह से टू सी हमारे को एट दे रखा है तो सी हमारा फोर हो गया तो सी पता है ए पता है हम एलिप्स का क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा देते हैं सी तो स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो सिक्सटीन इक्ल टू ट्वेंटी फाइव माइनस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर तो की वैल्यू नाइन आ जाएगी अब हमारे पास ए और बी आ चुका है तो इक्वेशन बना लेते हैं तो ये तो हमारे ऊपर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग बना रहे थे वाई के, के लॉन्ग क्योंकि मैंने एक्स के लॉन्ग बना दिया फिगर तो हम इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन तो ये हमारी इक्वेशन एलिप्स यानी उस आदमी के जो भी पर्सन भाग रहा है उसका पाथ जो होगा पी उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमने यही निकाला था इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस बाय द मैन तो ये हमारा ओवर हो गया तो अब इसको आप कंप्लीट कर लो कॉनिक सेक्शन पूरा और मे बी विद इन वन और टू डेज मैं आपको थ्री डी भी स्टार्ट करा दूँगा बहुत छोटा सी टॉपिक है थ्री डी बात करेंगे स्टैट्स फिर प्रोबेबिलिटी और फिर उसके बाद लिमिटेड डायरेक्ट ठीक है थैंक यू